हेलो टू ऑल, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं ड्राइव फॉर पीस। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार गाड़ी का लेटेस्ट अपडेट जो कि है टाटा की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा की एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। अभी टाटा कंपनी के पास नेक्सॉन और नेक्सॉन से ऊपर की जो गाड़ी है वो है हैरियर और उससे ऊपर जो गाड़ी है वो है टाटा सफारी। लेकिन हैरियर और नेक्सॉन के बीच की उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। एक बात ये भी है कि नेक्सॉन और टाटा की हैरियर में काफी प्राइस का डिफरेंस है और इस वजह से लोग हैरियर की तरफ थोड़ा कम ही जाते हैं। तो टाटा बहुत जल्द अपनी एक मिनी एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है ब्लैकबर्ड। लेकिन ज्यादातर लोग अगर इस सेगमेंट की गाड़ियां खरीदते हैं तो सेल्टॉस और क्रेटा उनका पहला प्रेफरेंस होता है। अगर आप भी क्रेटा या सेल्टॉस लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये फोटो अभी हाल ही की है। गाड़ी के एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी के दो पार्ट हो गए जबकि इस गाड़ी को ग्लोबल इनकैप ने 3 स्टार दिए थे। तो आप सोच सकते हैं गाड़ी में आज के टाइम में सेफ्टी फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और टाटा इन दिनों हम सब की उम्मीदों पर खरी उतरी है। तो आइए अब बात करते हैं टाटा की नई आने वाली ब्लैकबर्ड के बारे में। इस गाड़ी में आपको वो सारे सेफ्टी नॉच मिलते हैं, वही प्रीमियम फीचर मिलता है जैसा आपको टाटा की हैरियर में मिलता है। बाकी रही गाड़ी की लुक्स की बात, तो लुक्स अपना अपना मैटर करता है, कौन सी गाड़ी किसको पसंद आती है, लेकिन सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी काफी बेटर हो सकती है। वैसे थोड़े बहुत फीचर मैं आपको इस गाड़ी के बता देता हूँ। इस गाड़ी में आपको एयर वेंटिलेटेड सीट का फीचर मिल जाता है, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कार इंफॉर्मेशन सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और आजकल की गाड़ियों की तरह इस गाड़ी में भी आपको वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है। गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर तो मिलता ही है, साथ ही साथ सनरूफ का फीचर भी मिलता है जैसा कि आपको टाटा की हैरियर में मिलता है। वहीं गाड़ी में आपको काफी अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, डिजिटल वो भी, और ये गाड़ी फुली सेंसर से लेस होगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको शो करेगा। गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरे का फीचर भी मिल जाता है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। वहीं गाड़ी के अंदर 5 लोगों के बैठने के लिए काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेगरूम भी आपको काफी अच्छा मिलता है एंड हेडरूम का स्पेस भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बात करें गाड़ी के डायमेंशन की तो नेक्सॉन और हैरियर के बीच की ये गाड़ी होगी तो डेफिनेटली इस गाड़ी का डायमेंशन उन गाड़ी के बीच में ही होगा। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस भी नेक्सॉन का 209 के आसपास है तो उसी के हिसाब से इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। वहीं बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट का लुक भी काफी शानदार है। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, काफी अट्रैक्टिव बम्पर ग्रिल मिलता है, वहीं नीचे आपको फॉग लैम्प का फीचर मिल जाता है। अभी इस गाड़ी के इंडिया में टेस्टिंग चल रही है, कंपनी बहुत जल्द इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो साइड में आपको 16 और 17 इंच टायर का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ। वहीं रियर में भी आपको LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना, रियर कैमरा, सेंसर्स, रूफ रेल्स जैसे अट्रैक्टिव फीचर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। वहीं बात करें इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन की तो कंपनी आपको इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन के ऑप्शन दे सकती है। डीजल में 1.5 लीटर और पेट्रोल में भी आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल सकता है। साथ ही कंपनी आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दे सकती है। अगर आज के टाइम आप कोई सेफेस्ट कार लेना चाहते हैं तो टाटा की गाड़ियां आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि आप सब जानते हैं टाटा अपनी गाड़ियों को बनाने के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है और इसीलिए टाटा की हर गाड़ी को 4 या 5 स्टार तो मिल ही जाते हैं। बात करें इस गाड़ी के प्राइस की तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए के बीच में इस गाड़ी का प्राइस हो सकता है। इस गाड़ी को 2022 के मिड में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ।